आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। उत्तर भारत में भीषण गर्मी तो दक्षिण भारत में भारी बारिश का कहर। केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट। सीएम पिनराई विजयन पर अभद्र टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता के सुधाकरन के खिलाफ केस दर्ज। मनीष सिसोदिया ने की विश्वविद्यालयों की रिसर्च परियोजनाओं की समीक्षा, कहा समाज को इनोवेटिव रिसर्च की जरूरत। ज्ञानवापी के बाद अब देश की विवादित मस्जिदों की पैरवी खुद करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बनाई लीगल कमेटी। हिंदू धर्म के प्रतीक मिलने के संकेत, मुस्लिम पक्ष प्रशासन से नहीं मिला सहयोग। पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा ने कोर्ट को सौंपी सर्वे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ की 1,500 निवेश परियोजना की रखी जाएगी नींव, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। भाजपा सरकार दो सदन में घेरेगा सपा, अखिलेश यादव ने रणनीति बनाने के लिए 21 को बुलाई विधानमंडल दल की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की एक और खास पहल, कहा धर्मस्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर स्कूलों को दे दे। देश के 112 आकांक्षात्मक जिलों में बलरामपुर पहले स्थान पर, शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के हैं 5 जनपद। अयोध्या के श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ान जल्द, रनवे के साथ मुख्य मार्ग का निर्माण भी शुरू। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स का बढ़ा खतरा, वायरस ने अब अमेरिका में दी दस्तक। अमेरिका ने किया फैसला, कीव में अमेरिकी दूतावास को फिर से खोला जाएगा। श्रीलंका में अभूतपूर्व संकट, समुद्र में खड़ा है पेट्रोल लदा जहाज लेकिन भुगतान के लिए नहीं है पैसे। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1,100 अंकों से अधिक गिरा, अमेरिकी शेयरों में आई तेजी से गिरावट। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर जताई चिंता, भारत ने मदद के लिए उठाए कदम। मैच हारने के बाद भी दुखी नहीं थे कप्तान श्रेयस अय्यर, रिंकू की तारीफ की और मैकुअल को लेकर भी दी प्रतिक्रिया। रोमांचक मुकाबले में कोलकाता को हराकर लखनऊ पहुंची प्लेऑफ में क्विंटन डी कॉक, नाबाद शतक। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम हुई टूर्नामेंट से बाहर, लखनऊ से हारकर प्लेऑफ की सारी उम्मीदें खत्म। साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज में वीवीएस लक्ष्मण को मिल सकती है टीम इंडिया की कोचिंग की जिम्मेदारी। क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट के लिए मैथ्यू मार्च बने इंग्लैंड के नए हेड कोच, मैकलम को बनाया गया था टेस्ट कोच। टेलीग्राम समेत कई साइट्स पर लीक होने के बाद तय समय से 2 दिन पहले रिलीज हुई पंचायत 2, जीतू भैया ने जीता दिल। एक्टर सिद्धार्थ ने बॉलीवुड पर मारा ताना, बोले हिंदी फिल्मों में दक्षिण भारतीयों को कार्टून की तरह दिखाते हैं। ब्लैक फ्रॉल गाउन में ऐश्वर्या राय ने कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर लगाई आग, लोगों ने किया ट्रोल।
डायनामाइट में धमाल मचाने के बाद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लगी मशहूर सिंगर ध्वनि भानुशाली की तस्वीर, देश का बढ़ाया मान। कोर्ट का आया फैसला, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को नहीं मिली विदेश जाने की इजाजत। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।